हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एलजेब्रा। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस देयर डिफरेंस इफ वन ऑफ द नंबर इज 10, फाइंड द अदर नंबर। मतलब दो नंबर जो है उनका सम जोड़ ट्वाइस दो गुणे के बराबर है, किसके, उनके डिफरेंस के बराबर। तो हम दो नंबर मान लेते हैं, एक एक्स दूसरा वाई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर, उन दोनों का सम, सम का मतलब है जोड़, ये बराबर होगा किसके, ट्वाइस दो गुणा उनके डिफरेंस के बराबर। ये उनका डिफरेंस आ गया। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर है टू एक्स माइनस टू वाई। उसके बाद देखिए, एक्स को एक साइड रख लेंगे, वाई को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो एक्स टू एक्स यहाँ आ जाएगा, माइनस टू एक्स बन जाएगा। यहाँ से माइनस टू वाई है और ये वाई जाके माइनस टू वाई बन गया। तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर है माइनस थ्री वाई। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई है तो हम दोनों साइड माइनस एक से मल्टीप्लाई करके प्लस रख देंगे। यहाँ लिखा है इफ़ वन नंबर इज टेन, वैल्यू टेन पुट कर देते हैं, या वाई की वैल्यू टेन। हम यहाँ पर वाई मतलब पहला नंबर टेन के बराबर दिया है, तो यहाँ पर हमने नंबर वो पुट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री गुणा दस, और ये हो जाएगा तीस। तो ये हमारे वो दो नंबर आ गए, एक दस होगा और दूसरा तीस। देखिए, अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इन दोनों का सम तीस प्लस दस किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ देयर डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। देखिए, तीस जमा दस चालीस आ जाएगा, और तीस माइनस दस बीस, तो दो गुणा बीस भी चालीस के बराबर है। इसलिए हमारे नंबर आ गए, एक दस होगा एक थर्टी, तीस। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज 22 एंड देयर डिफरेंस इज 14। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ टू नंबर इज 22 और डिफरेंस है 14। हमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तब हमारे पास बन जाएगा 36। अब इस दो जो सम आया इन दोनों का, उसको दो से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 18। तो अब एक नंबर हमारे पास 18 हो जाएगा और दूसरा जो सम वाला नंबर है उसमें से घटा के आ जाएगा 22 माइनस, ये जो नंबर निकाला हमने, दूसरा नंबर होगा 4। तो आसान है, क्या है, सम दिया है, सम का मतलब है जोड़, डिफरेंस का मतलब है उन दोनों का माइनस करके। अगर इन दोनों को हमने सम और डिफरेंस को ऐड कर लिया तो आ जाएगा हमारे पास 36। अब 36 को हमने दो से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 18। फिर इस सम के साथ ये 18 माइनस करेंगे, हमारे पास दूसरा नंबर हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास दो नंबर कौन कौन से आएंगे, एक 18 और एक 4। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 22 आ रहा है, दोनों से बड़े से छोटा घटा देंगे तो हमारे पास 14 आ रहा है, और प्रोडक्ट 18 × 4 = 72। अब एक और क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 40, यहाँ पर लिखा है सम, एस हमने डिनोट किया, सम मतलब जोड़, 40 के बराबर, उन दोनों का डिफरेंस 10 के बराबर। तो हमें वो दोनों नंबर जो हैं उनका स्क्वायर निकालना है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। जैसे अगर पहला नंबर हमने एक्स रखा और दूसरा वाई रखा, तो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, ये हमने निकालना है। अब सबसे पहले तो हम दो नंबर मान लेते हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, हम सीधा यहाँ इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ऐड कर लेंगे, 40 10 50 हो गया, फिर दो से भाग कर देना है, तो पहला नंबर तो आ जाता है हमारा इस तरह से। इन दोनों को जमा कर दो, दो से भाग दे दो 25, और दूसरा कैसे आएगा, इससे ये माइनस करके, तो 40 माइनस 25 हमारे पास दूसरा नंबर आ गया 15। अब यहाँ पर निकालना है हमने इन दोनों का सम ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो डिफरेंस पहला नंबर आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर है 15 स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 आता है, माइनस 15 का स्क्वायर 225 आता है, और फिर यह आ जाएगा 625 में से 225 माइनस कर दिए तो 400 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, इन दोनों का सम डिफरेंस को ऐड कर लिया, दो से डिवाइड किया, ये हमारा एक पहला नंबर आ जाता है। अब सम वाले नंबर से जो हमने एक नंबर निकाला है वो माइनस कर देते हैं तो दूसरा नंबर आ जाता है। फिर जो हमने चीज़ निकालनी होती है इन दोनों नंबर से वो निकाल।
अगर हमें सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिया हो तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको अभी लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। अगला है सम ऑफ टू नंबर इज 14। देखिए, सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस है 10। तो नंबर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके, तो ऐड कर देंगे और दो से डिवाइड कर देंगे। 14 जमा 10, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और 24 को दो से भाग करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कैसे आएगा? इसमें से माइनस करना है ये 12, 14 माइनस 12 दो, तो सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। अब निकालना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 12 गुणा 2 24, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सम ऑफ टू नंबर इज 24 एंड देयर डिफरेंस 6 है। निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर कैसे है? दोनों को ऐड करना है, 24 प्लस 6 हमारे पास 30 आ गया, फिर दो से भाग करना बोला है, यह आ जाएगा 15, तो फर्स्ट नंबर आ गया 15। सेकंड नंबर कैसे निकालना है? इसमें से ये माइनस करके, 24 माइनस 15 ये आ जाएगा 9, तो सेकंड नंबर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट का मतलब है दोनों की गुणा, तो 15 गुणा 9 यह आ जाएगा 135, 135 आंसर। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 39, देयर डिफरेंस, डिफरेंस इज 28, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। हम दो नंबर मान लेते हैं, एक एक्स एक वाई, इसका मतलब प्रोडक्ट दिया है तो एक्स वाई दिया था, दिया है तो एक्स माइनस वाई दिया है। अब हम इसको इससे भाग देंगे, जो डिफरेंस है उसको प्रोडक्ट से भाग देंगे, तो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट से इसको और इसको अलग अलग से भाग दे देते हैं इस तरह से, फिर यहाँ से वाई ओवर एक्स वाई आ जाएगा। अब क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई वाई कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1 ओवर वाई ओवर 1 माइनस एक्स। और यही हमारा, देखिए क्या लिखा है, फाइंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ये डिफरेंस है, रेसिप्रोकल का मतलब है अगर हमने एक्स का रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1 वाई एक्स आता है, वाई का रेसिप्रोकल 1 वाई एक्स होता है, तो डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल ये आ जाएगा 1 ओवर 1। आया क्या है, इस दोनों को एक्स माइनस वाई को भाग करके, किससे? एक्स वाई से। देखिए एक्स वाई से भाग किया है इसको, तो ये आ जाएगा 28 ओवर 39। तो अब फ्रेंड्स, हमें जब भी क्वेश्चन दिया हो, ऐसे प्रोडक्ट भी दिया हो, डिफरेंस दिया हो, और कहा जाए इन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालना है, तो हम आसानी से एकदम से क्या करेंगे, डिफरेंस को इसे भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 39, देयर डिफरेंस 10, निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो हमने पिछले क्वेश्चन को जैसे किया है वैसे ही करेंगे, क्या हमने 10 को प्रोडक्ट के साथ, मतलब जो डिफरेंस है उसको इसके साथ भाग दे दिया, और यही हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।